हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी लॉज में। फ्रेंड, मैं आज बात करूंगा रैपिपे कंपनी के बारे में। रैपिपे कंपनी इसमें बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, मार्केट में बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक मिल रहा है। तो आप लोग भी अगर इसका एजेंट बनना चाहते हैं इस लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति में, तो आप लोग घर बैठे इसका एजेंट आईडी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कोई भी 1 रुपया नहीं लगेगा, आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट सेंड करना है और आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, आप घर बैठे इसका काम कर सकते हैं। रैपिपे इस समय मार्केट में जो भी फिनटेक कंपनियां, उनमें सबसे अच्छा सर्विस, सपोर्ट और कमीशन के मामले में आपको मिलेगा, क्योंकि इनका हर महीने कुछ ना कुछ इंसेंटिव ऑफर आता है। जो भी रिटेलर ट्रांजेक्शन करते हैं उनके हिसाब से जो कमीशन उनका मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, बट इंसेंटिव भी मंथली वाइज ये लोग देते हैं, जिससे सभी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का इस पे भरोसा ज़्यादा हो रहा है और वो अच्छा खासा कमीनिक कर रहे हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में A to Z यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसका रिटेलर बन सकते हैं और आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसका। आपको पोर्टल पर भी लाइव ले चलकर बता दूंगा इसमें क्या क्या आपको सर्विस मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कुछ इसके सर्विस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपको रैपिपे में आयरिस स्कैनर का भी सुविधा मिल जाता है। अगर किसी इंसान का अगर फिंगर मैच नहीं करता है, बहुत से वृद्ध व्यक्ति आते हैं जिनका फिंगर नहीं लेता है, उस स्थिति में आप आयरिस से भी स्कैन करके उनका बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये सुविधा आपको रैपिपे दे रहा है। और आगे दिखा देता हूँ मैं। देखिए, अभी कैश कलेक्शन रैपिपे में लाइव हो गया है। आपको कैश कलेक्शन दो ऑप्शन मिल जाएगा। पहले भी आपको BBPS के द्वारा जो कैश कलेक्शन है ऑलरेडी ऑलरेडी पहले से लाइव है, और ये कैश कलेक्शन का नया सर्विस ऐड हो गया है, जिससे आप अपने आसपास में जो भी फाइनेंस कंपनी है उनका कैश कलेक्शन कर सकते हैं। इससे आपका कैश का टेंशन दूर हो जाएगा, आपका कैश आपके सेंटर पर मिल जाएगा और इस पर आपको कमीशन भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए, ये ऑफर की मैं जो बात कर रहा था, मंथली ऑफर, यही ऑफर आपको फ्रेंड देख लीजिए। अभी इस महीने मई में आपको ये ऑफर चल रहा है एजेंट के लिए। अगर कोई भी एजेंट 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करता है तो उसका ट्रांजेक्शन पे 0.1% का कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव। ये आपका जो कमीशन मिलता है ये उससे अलग है, वो आपका कमीशन तो एट ए टाइम आपको मिल ही जाता है, प्लस ये अगर महीने में आप 50,000 से ज़्यादा कर देते हैं, जितना भी कीजिए, उसका 0.1% आपको कमीशन मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोग 25 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्लस आपको 0.1% प्लस एक रैपिपे की तरफ से सेलेक्ट गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो आप लोग जल्दी से रैपिपे के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा कमीशन का फायदा उठाइए। वही सेम ऑफर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का AFS वॉल्यूम अगर मई में 50 लाख से ज़्यादा होता है तो उनको 0.05% कमीशन मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छा है और एक एक्सक्लूसिव प्राइस भी मिलेगा अचीवर के लिए। तो बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर दोनों के लिए है। तो जो भी अगर फ्री में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। अभी आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, उनसे बात करके आप लोग आईडी ले सकते हैं। आईडी एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद अभी अभी आपको RBI रैपिपे में RBL का AAPS और आधार पे की सेवा चालू कर दी गई है। आप लोग इसका नॉर्मल EKYC करके आप इसका AAPS से और आधार पे भी कर सकते हैं। आधार पे का फायदा ये है कि किसी भी अगर कस्टमर का लिमिट महीने का जो भी होता है 3-4 बार वो फुल हो जाता है, उसके बाद भी वो विड्रॉल कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है जिससे आप लोग को अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो आपको बता दें, रैपिपे में दो कंपनियां का भी AAPS अब लाइव हो चुका है। एक तो पहले से ICICI का चल रहा था, अभी RBL बैंक का भी AAPS और आधार पे दोनों लाइव हो गया है। इसके लिए नॉर्मल एक KYC करना होगा। आगे अभी देखिए, वही आईडी में बता दिया हूँ। अब पाइए रैपिपे क्या AAPS आईडी, पहले 500 कॉस्ट था वो एकदम फ्री हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से AAPS आईडी निःशुल्क कर दिया गया है। आप बेहिचक इसका आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आईडी लेने के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रैपिपे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बनना है तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9708716013। दूसरा नंबर है 8825187504। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, इस दोनों नंबर किसी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको इसका कमीशन लिस्ट और इसके पोर्टल का थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये रैपिपे का ऑफिशियल वेबसाइट है।
यहाँ पे आके रैपिपे के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रैपिपे में कितने रिटेलर हैं, कितना ट्रांजेक्शन है। और ये रैपिपे आरबीआई से अप्रूव कंपनी है, बहुत ही नॉर्मल कुछ कंपनियां हैं फिनटेक के जो आरबीआई से जिनके पास अप्रूवल है। ये कंपनी बहुत ही आपको ट्रस्टेड कंपनी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऐसे वैसे कंपनी है। तो इसका नॉर्मल लॉग इन करने के लिए यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया जाएगा, एजेंट वैलेट लॉग इन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एजेंट लॉग इन पे क्लिक करना है। एजेंट लॉगिन में क्लिक करेगा, देखिए वही जो ऑफर मैंने बोला था ऑफर चला है। देखिए यहाँ पे एफएस आईडी फ्री है, एकदम एक कंपनी की तरफ से ही फ्री मिल रहा है, कोई अपने तरफ से फ्री नहीं दे रहा। ये देखिए मैंने जो ऑफर बताया था 0.1%, यहाँ आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। इसका माइक्रो एटीएम भी बहुत लाजवाब है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आगे कई काम कर सकते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड लॉगिन कीजिएगा, आपको जो सामने का डैशबोर्ड है इस तरह से आपको दिखेगा। आपको जो सर्विस हो रहा है देखिए यहाँ पे आपको वैलेट ट्रांसफर, वीसी ट्रांसफर, इंडो नेपाल ट्रांसफर, डीटे रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट टू नेटवर्क, एक स्पेशल सर्विस है जो आप रैपिपे के कोई भी रिटेलर कहीं भी पूरे इंडिया में उसको आप साथी दो साथी द्वारा पैसा भेज सकते हैं। बैंक सेटलमेंट हो गया, क्रेडिट रिक्वेस्ट हो गया, आपको एपीएस ट्रांजेक्शन हो गया। ये देखिए एपीएस ट्रांजेक्शन 1 है, यहाँ पे एपीएस ट्रांजेक्शन 2 है, ये आईसीआईसीआई का है, ये आरबीएल का। इसमें आपको आधार पे के भी सर्विस मिल जाएगा। कैश कलेक्शन हो गया, यहाँ पे बिल पेमेंट हो गया, बिल पेमेंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपको कैश कलेक्शन हो गया, आपको वाटर बिल हो गया, फास्टैग वगैरह सब सर्विस है। यहाँ टैक्स पेमेंट का भी है, यहाँ पे ऐड नेटवर्क पार्टनर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, तब यहाँ से आप रिटेलर भी बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। तो यहाँ पर रेमिटेंस फॉरेक्स का लीड है, तो ये कंपनी ऑलरेडी सब्सिडी कंपनी है, तो ये रिमिटेक्स का भी फॉरेन का आप ले सकते हैं यहाँ से लीड। यहाँ कैश कलेक्शन 1 का भी ऑप्शन आ गया, कुछ कंपनियां थी जो कैश कलेक्शन पहले में नहीं थी, इसमें ऐड कर दिया गया। आप कैश कलेक्शन करके भी अच्छा खासा कमीनी कर सकते हैं। इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा सामने, उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल का डिटेल में जाकर भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप माई प्रोफाइल देख सकते हैं, मैनेजर कोर्स, क्रेडिट बैंक डिटेल देख सकते हैं, पेंडिंग एजेंट के वैसे, कोई आप एजेंट बनाते हैं उसका केवाईसी आप चेक सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डाउनलोड में यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह, आपको जो भी आरबीएल का लाइसेंस वगैरह, बीसी सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से आप अपना माई नेटवर्क, जितना नेटवर्क है यहाँ पे, लेजर वगैरह, क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं। एपीएस इसका बहुत ही ईजी है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एपीएस पर नॉर्मल क्लिक करना है। यहाँ पे आयरिस है, आयरिस फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल के आप कैप्चर, बैलेंस विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका सर्विस का यहाँ पर पोर्टल है, पोर्टल पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कमीशन वगैरह के बारे में इसका बता देता हूँ। तो कमीशन वमीशन देखने के लिए आपको एक वेबसाइट है hindiadvice.com, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है इस यूट्यूब चैनल का, तो आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे रैपिपे के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया, आप लोग रैपिपे के पूरे डिटेल में यहाँ पे आके देख सकते हैं। रैपिपे क्या है, इसका आरबीआई लाइसेंस वगैरह, कैपिटल इंडिया का पार्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया। रैपिपे में क्या क्या सर्विस मिलती है यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, और लॉग इन कैसे करते हैं लॉग इन के बारे में बताया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखा बताया गया। ये डॉक्यूमेंट आपको भेजना होगा, जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दिया है उस पर, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एक लाइव फोटो चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड हाथ में लेके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सॉफ्ट फोटो, इतना डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आईपीपी का रजिस्ट्रेशन या रिटेलर आईडी आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो डिटेल दिएगा यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैसेज कुछ भी डाल के सबमिट कर दीजिएगा, आपका डिटेल मेरे पास आएगा, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऑलरेडी मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या जो ये ईमेल आईडी है hindiadvice@gmail.com, इस पर आप अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने ऊपर बताया है आपका भेज दीजिएगा, आपको ऑलरेडी फ्री में आईडी कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आईडी कॉस्ट फ्री है, आपको फ्री में दे दिया जाएगा आपसे कॉन्टेक्ट करके। आप इसका माइक्रो एटीएम लेना चाहते हैं तो माइक्रो एटीएम मिल जाएगा, माइक्रो एटीएम आपको 2800 का मात्र पड़ेगा। यहाँ पे पूरा देखिए आप कमीशन चार्ट भी यहाँ पे देख लीजिए, कमीशन चार्ट बता दिएगा कितना क्या मिलता है। आप लोग आगे पूरा डिटेल में इसका स्लैब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर कितना मिलता है, आप लोग एक बार आके आसान देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये 50 पैसा मैक्सिमम मिलता है, और 1 रुपया मिलता है मास्टर को, 40 से 50 पैसा कमीशन मिलता है। वहीं माइक्रो एटीएम की बात करें तो माइक्रो एटीएम का भी कमीशन यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम आपको 100 रुपये तक माइक्रो एटीएम में कमीशन दिया जाता है, तो आप लोग ये भी आके देख सकते हैं। और मनी ट्रांसफर की बात करें तो मनी ट्रांसफर के बारे में यहाँ पे दिया गया, मनी ट्रांसफर में आपको 1% चार्ज लगता है, जिसमें 0.5% आपको रिटेलर का कमीशन मिल जाता है, 0.2% डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर गेट 0.2%। पूरा डिटेल में यहाँ पे रैपिपे के बारे में इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा, एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा रैपिपे का आईडी लेने से पहले जानकारी के लिए। यहाँ पे रिचार्ज वगैरह पर कमीशन आप लोग देख लीजिए पूरा दिया गया है,
तो आप लोग आसानी से आगे देख लीजिएगा। डिटेल रिचार्ज हो गया, एपीएस सेटलमेंट में अगर नेफ्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आईएमपीएस में 5 रुपया 25,000 तक, और 25,000 से ज़्यादा पे आपको 10 रुपया चार्ज देना होता है। यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ रेपी पे में आपको इंडो नेपाल ट्रांसफर मिल जाता है, इस पर भी आप देख सकते हैं। इस पर आपको 200 रुपये फिक्स चार्ज लगता है, आप 50,000 तक भेज सकते हैं। आधार पे लाइव हो गया है रेपी पे में, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर पूरा इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। 60 से 60 पैसा भेज सकते हैं। तो एक बार इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जरूर इसको विजिट करके पूरा आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। तो अगर आप रेपी का आईडी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि रेपी पे का आप आईडी कैसे लेंगे, रेपी पे में कितना कमीशन मिलता है, क्या क्या सर्विस मिलता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद।